हेलो दोस्त, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज डेट है ये 3 अप्रैल 2023 है। आज के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, हम इन्हीं करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। हम ज़्यादा देर आपसे बात ना करते हुए हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट जो जानकारी है वो जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे, बताएंगे। जल मार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है सागर सेतु मोबाइल ऐप्स, एक ऐप्स लॉन्च किया जिसका नाम है सागर सेतु। और इसे किसे लॉन्च किया है बताएंगे, सर्वानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है। ये क्या है बताएंगे, जलमार्ग मंत्री है बताएंगे। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने घरेलू हिंसा कानून के तहत ट्रांसजेंडरों को राहत दी है, कि उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा में जो ट्रांसजेंडरों को अगर कोई हिंसा कर रहा है तो आप भी उनके जो सरकार जो है उनके खिलाफ भी क्या आता है एक्शन लेगी। बताएंगे हाल ही में अप्रैल में बताएंगे हाल में जो अप्रैल में जो श्रीनगर ले की जेड मोड सुरंग, एक सुरंग है जिसका नाम है जेड मोड सुरंग, और कहाँ है बताएंगे, श्रीनगर में है। अप्रैल में इसका उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है। बताएंगे इटली में ओपन एआई के चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाया गया है। बताएंगे हाल में विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे आईसीओ सम्मेलन की मेज़बानी करेगा यूएई। यूएई क्या था, मेज़बानी करेगा। बताएंगे हाल में G20 आपदा जोखिम न्यूनकरण कार्य समूह, जो नए कार्य समूह हो रहे हैं G20 के आपदा के तहत, ये पहली बैठक गांधीनगर में शुरू हुई है। कहाँ पहली जो बैठक कहाँ शुरू हुई बताएंगे, गांधीनगर, और गांधीनगर कहाँ बताएंगे, गुजरात में। बताएं तुर्क की मंजूरी के बाद फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है, तो तुर्क की मंजूरी के बाद, ठीक है, तुर्क ने क्या मंजूरी दी है, तुर्क ने मंजूरी दी है जिसके कारण से कि फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। बताएंगे हाल ही में IOC ने आधिकारिक तौर पर लैसिक डेमेस को 2012 का ओलंपिक चैंपियन बनाया गया है। बताएंगे हाल ही में बताएंगे श्रीलंका आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में सीधे क्वालिफायर में क्या था विफल हो गया, वो सीधे क्वालिफायर में नहीं जा सकता है क्वालिफायर में। बताएंगे हाल ही में अरविंद चिदंबरम ने नई दिल्ली ओपन में 20वां संस्करण क्या किया है, जारी किया है। हाल ही में बताएंगे रक्षा मंत्रालय में ब्रह्मोस एयरोस्पेस के साथ 1700 करोड़ रुपये का सौदा किया गया है। बताएंगे हाल ही में हीरो मोटो कार बोर्ड ने हार्ले डेविलसन, एक बाइक का नाम है हार्ले डेविलसन, के डील मेकर निरंजन गुप्ता को सीईओ नियुक्त किया गया है। निरंजन गुप्ता को क्या कहते हैं, सीईओ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। बताएंगे हाल ही में टाटा पावर ने 4 साल के लिए प्रवीर सिंघा को, कितने साल के लिए बताएंगे, 4 वर्ष के लिए, ठीक है, 4 वर्ष के लिए प्रवीर सिंघा को MD के रूप में फिर से क्या कर दिया गया है, नियुक्त कर दिया गया है। बताएंगे हाल ही में बद्री स्वामी टू लीड विप्रो इंडिया इन साउथ ऑफ द एशियन बिजनेस। बताएंगे हाल ही में श्री बद्री निवास विप्रो को भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के व्यवसाय का नेतृत्व करेंगे। बताएंगे हाल ही में डॉक्टर एम एन हसन द्वारा लिखित वार एंड वुमेन्स एक बुक का नाम है, और इसका विमोचन किया जाएगा। बताएंगे हरियाणा में 100% विद्युतकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है। बताएंगे भारत में कम 100% मतलब 100 पूरी क्या होता है, विद्युतकृत कर दी गई है यहाँ नेटवर्क, विद्युत लाइन के नेटवर्क के अंतर्गत। बताएंगे हाल ही में कर्नाटक सरकार ने 10% EWS कोटा अधिसूचित किया गया है। बताएंगे हाल ही में जो रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर NGT की केरल सरकार पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बताएंगे हाल ही में उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कितना, उत्कर्ष दिवस एक बताएंगे उत्कर्ष जो दिवस है 1 अप्रैल 2023 को मनाया जाएगा। बताएंगे हाल ही में यूरोपीय आयोग ने हिमाचल की कांगड़ा चाय को GIT टैग प्रदान किया गया है। तो यह रहा है कुछ इंपॉर्टेंट्स करंट अफेयर, ये करंट अफेयर जो आपका आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आप इस वीडियो को जरूर देखें, ध्यान से भी देखें।